तो भाई लोग कैसे हो? क्या आप काफ़ी समय से पबजी मोबाइल या BGMI खेल रहे हो? अभी तक आपने अपनी सेंसिटिविटी क्रिएट नहीं की, या फिर आप अपने फ्रेंड की सेंसिटिविटी यूज करते हो? आपको लगता है मेरा फ्रेंड बहुत बढ़िया खेलता है, मैं उसकी सेंसिटिविटी कॉपी कर लेता हूँ, या फिर किसी ऐसे यूट्यूबर की सेंसिटिविटी? तो गाइज आप कॉपी कर लेते हो बिना किसी दिक्कत के, बट आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं बाद में। लाइक आप अच्छे से स्प्रे नहीं दे पाते हो, ना ही आपकी गन का रिकॉइल कंट्रोल होता है, बढ़िया एम करना तो दूर की बात है। तो भाई मेरे, अगर आप किसी की भी सेंसिटिविटी कॉपी करोगे आप उसमें मास्टर नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट हैं। लाइक एंड्रॉयड आईफोन की सेंसिटिविटी तो अलग होती ही है, अगर आपके पास दो मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड हैं उनकी भी सेंसिटिविटी अलग होगी। सेकंड पॉइंट, जैसे कि मैं फुल जैरो खेलता हूँ, आप मेरी सेंसिटिविटी देख सकते हो, अगर कोई भी नॉन जैरो प्लेयर होगा तो नहीं खेल पाएगा, बिकॉज मेरी सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। कोई प्लेयर जैरो से एम करता है, कोई प्लेयर थम से एम करता है, सभी प्लेयर का अलग अलग फंडा होता है गाइस। तो भाई मेरे, आप किसी की भी सेंसिटिविटी पे मास्टर नहीं कर पाओगे। अगर आपने मास्टर करना है तो आप अपनी न्यू सेंसिटिविटी क्रिएट करो, उसमें मास्टर करो। मैं बताऊंगा गाइस आपको अपने सेंसिटिविटी अपनी कैसे क्रिएट करनी है। आई नो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, आप अच्छे से स्प्रे नहीं दे पाते होंगे, आपका ना ही रिकॉल कंट्रोल होता होगा, क्या आपकी भी स्प्रे कुछ ऐसी है, या फिर कुछ ऐसी जब आप स्प्रे देते हो तो आपकी गन ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। गाइज मैं एक बात आपको लिख कर दे सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेंसिटिविटी के रिलेटेड। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आज आपका भाई आपको सेंसिटिविटी की तसल्ली करा देगा, आप खुद सेंसिटिविटी बनाना सीख जाओगे। गाइज फुल डिटेल में बताऊँगा कैमरा सेंसिटिविटी क्या होती है, IDS सेंसिटिविटी क्या होती है, जैरो सेंसिटिविटी क्या होती है, सभी टाइप की सेंसिटिविटी डिटेल में बताऊंगा, कौन से टाइम पे कौन सी सेंसिटिविटी काम आती है। आपका भाई बताएगा स्प्रे आप कैसे बढ़िया कर सकते हो, स्नैपिंग के टाइम पे कौन सी सेंसिटिविटी यूज होती है, बंदों को ट्रैक कैसे करना है, गाड़ी को ट्रैक कैसे करना है। तो गाइज आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आपका भाई बहुत ही ज़्यादा क्लोज है बन के सब्सक्राइब कंप्लीट होने के, तो भाई मेरे रेड कलर का बटन दबा देना, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज पहले चलते हैं सेटिंग में, और ये रही हमारी सेंसिटिविटी। तो भाई मेरे, पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है सेंसिटिविटी किस किस टाइप की होती है। ये रही पहले नंबर पे कैमरा सेंसिटिविटी, और दूसरी सेंसिटिविटी ओनली कैमरा, और तीसरी ADS सेंसिटिविटी, और लास्ट वन इज जैरोस्कोप। दिस वन इज माई फेवरेट, ठीक है गाइज। ये तो मैंने आपको टाइप बता दी सेंसिटिविटी की, सभी सेंसिटिविटी अलग अलग वर्क करती हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक की, इसमें तीन सेंसिटिविटी और हैं। तो पहले बात करते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप की, जब आप इसे जीरो कर दोगे तो क्या होगा? ये रहा हमारा आई बटन, आप जितना मर्जी मूव कर लो ये लेफ्ट राइट नहीं देखेगा। कब देखेगा? जब आप इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाओगे। गाइज हम इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं, थोड़ी हाफ से ज़्यादा कर देते हैं। अब देख लो गाइज आई बटन ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, ये लेफ्ट भी जा रहा है और राइट भी जा रहा है। गाइज आपको इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा जल्दी ये घूमता है। मैं आपको इसकी सेंसिटिविटी फुल करके भी दिखा देता हूँ, देख रहे हो गाइज कितना जल्दी फास्ट मूव हो रहा है, बंदा हमारा बहुत ही जल्दी घूम रहा है। तो गाइज इसकी सेंसिटिविटी को हाफ रखें और हाफ से थोड़ा ज़्यादा कर लें, ठीक रहता है। और हाँ गाइज, इसकी सेंसिटिविटी को हल्के में मत लेना, आई बटन आपके बहुत ही ज़्यादा काम आता है जब आप गेम खेलते हो, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो गाइज जैसे कि आप ये गाड़ी चला रहे हो, ओनली आपको फ्रंट साइड दिख रहा है, अगर आपके पीछे एनिमी की गाड़ी लगी होगी, दे दनादन फायरिंग हो रही है, तो आप गाड़ी को रोक के तो नहीं देखोगे कितने एनिमी हैं कितने नहीं, और कितने क्लोज हैं और कितने दूर हैं। आपने करना ये है, जस्ट आपने आई बटन को मूव करना है, एट अ टाइम एनिमी की लोकेशन आपको पता चल जाएगी, एनिमी कितना दूर है या कितना नेड़े है, क्यों गाइस है ना इम्पोर्टेंट। जे बहुत बंदे हैं जिनको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट ये वीडियो सभी बंदों के लिए है जिन्होंने अभी अभी खेलना स्टार्ट किया है, जहाँ काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं लाइक प्रो टैप। और गाइज आई बटन की हेल्प से आप ग्रेनेड भी फेंक सकते हो, जितना दूर चाहो आप उतना दूर फेंक सकते हो। तो गाइज देख रहे हो ना, बढ़िया है ये चीज़ें। तो गाइज आपको ये कम ज़्यादा कर लेनी है अपने हिसाब से, मेरी 125 है, आगे मैं आपको बताऊंगा आपको कितनी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड सेंसिटिविटी के, 1% कैमरा।
पहले तो आप ये समझ लो फर्स्ट पर्सन कैमरा और थर्ड पर्सन कैमरा में डिफरेंस क्या है। गाइस ये तो है हमारा फर्स्ट पर्सन कैमरा, इसमें आपको बस इतना ही देखेगा, इससे ज़्यादा नहीं। थर्ड पर्सन कैमरा में आपको फुल व्यू मिलेगा, लाइक आप आई बटन की हेल्प से अपनी सभी साइड देख सकते हो। और हाँ गाइस, थर्ड पर्सन कैमरा को हम TPP बोलते हैं और वन पर्सन कैमरा को हम FPP बोलते हैं। ज़्यादातर बंदे तो TPP खेलना पसंद करते हैं। गाइस ये फर्स्ट पर्सन कैमरा सेंसिटिविटी है, इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो थोड़ी कम ही रखना, जैसे कि मेरी 90 है, आप अपनी देख लेना कहाँ पे ठीक बैठेगा। अगर आपकी स्क्रीन ज़्यादा रोटेट कर रही है जल्दी से, तो आप इसकी सेंसी थोड़ी कम कर देना। अगर रोटेट कम कर रही है तो आप इसकी सेंसी बढ़ा देना, दैट्स इट। तो गाइज आपको पता तो चल गया होगा थर्ड पर्सन कैमरा और वन पर्सन कैमरा में डिफरेंस क्या है। और ये रहा ओनली कैमरा, जब आप कोई भी मैप खेलते हो लाइक रेंगल, मीरामार, बकैंडी, जो भी बड़ा मैप खेलते हो, जब आप पैराशूट से लैंडिंग करते हो तो आपको आई बटन से देखना पड़ता है ऊपर नीचे कोई आ रहा है या नहीं। अगर आपका आई बटन सही से काम नहीं करेगा, आपको कैसे पता चलेगा एनिमी कहाँ कहाँ आपके साथ लैंड किया है। तो गाइस ये सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडिंग के टाइम आपके बहुत काम आती है। तो गाइस कैमरा फ्री लुक सेंसिटिविटी तो मैंने आपको फुल डिटेल में बता दी विद एग्जांपल। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कैमरा सेंसिटिविटी की। सबसे पहले डिफरेंस सुन लो गाइस, एक तो होती है कैमरा सेंसिटिविटी और एक होती है ADS सेंसिटिविटी और एक होती है जेरोस्कोप। कैमरा सेंसिटिविटी में पहले नंबर पे आती है थर्ड पर्सन नो स्कोप सेंसिटिविटी। इसका क्या काम है? जब आप ओनली देख रहे हो बिना फायरिंग किए, जी हाँ आपने सही सुना, बिना फायरिंग किए जब आप ओनली देख रहे हो, इसको हम थर्ड पर्सन नो स्कोप सेंसिटिविटी बोलते हैं। आपने आई बटन नहीं यूज करना, ऐसे ही लेफ्ट राइट देखना है विद दी हेल्प ऑफ थंब। तो गाइज अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी एक नंबर पे कर दूं तो मेरा करेक्टर लेफ्ट राइट नहीं देखेगा, बहुत ज़्यादा ही स्लो देखेगा। गाइज मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको मार्क दिख रहा होगा, बट मेरा करेक्टर मूव ही नहीं हो रहा, ना लेफ्ट जा रहा ना राइट जा रहा है, ना ऊपर देख रहा ना नीचे। इसका क्या फंडा है मैं आपको बाद में बताता हूँ। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन नो स्कोप, अब मैं इसकी सेंसिटिविटी को फुल कर देता हूँ। इसे होगा ये जब आप लेफ्ट राइट स्क्रीन को घुमाओगे विद दी हेल्प ऑफ थंब, मेरा करेक्टर बहुत ही जल्दी घूम जाएगा। ये देखो गाइस, ये देखो, सही है ना गाइस, समझ आ रहा है ना आपको जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब मैंने स्क्रीन पे थोड़ा सा टच किया, एक सेकंड में मैं घूम गया। मतलब जब मैंने पीछे देखना हो तो एक स्वाइप करने की ज़रूरत है और मेरा बंदा पीछे मुड़ जाएगा। गाइज आपने बहुत सारे प्लेयर देखे होंगे, उनका रिएक्शन टाइम बहुत ही जल्दी होता है। मतलब अगर वो बंदा जहाँ मारे हैं ऑटोमेटिकली वो राइट को घूम जाएंगे, जहाँ पे बंदा होगा वहाँ पे बंदे को मार देंगे। रिएक्शन टाइम इतना जल्दी कैसे हो जाता है? तो मैं गाइज आपको बता दूँ, इसी सेंसिटिविटी का कमाल है जी। तो गाइज ये सेंसिटिविटी आपको लगभग 250 और 300 के बीच रखनी चाहिए। आगे भी आपको बताऊँगा आप इतनी रख सकते हो थर्ड पर्सन नो स्कोप। पहले दिन तो गाइज आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिविटी पावरफुल है, तेज है। उसके बाद आपका गेम प्ले बहुत ही अच्छा हो जाएगा गाइज। अगर आप दो से ज़्यादा प्लेयर के साथ फाइट कर रहे हो एक टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये सेंसिटिविटी। अब बात करते हैं रेड डॉट एंड होलोग्राफी की। इसका भी वही सीन है, जब आप इसकी सेंसिटिविटी एक नंबर पे कर दोगे तो आपका रेड डॉट बहुत ही धीरे धीरे लेफ्ट राइट को होगा। मान के चलो एक बंदा जहाँ पे है और एक बंदा जहाँ पे, ये दोनों बंदों को आपने एक साथ देखा, अगर आपने स्प्रे देना स्टार्ट किया तो आप पहले बंदे को तो मार दोगे जिस पर आपने एम किया। जैसे ही आप दूसरे बंदे पे एम करोगे तो वो बंदा आपको मार देगा, किल कर देगा। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कैसे, आपका स्कोप ही लेफ्ट राइट जाएगा ब्रो। एक बंदे को तो मार दोगे आप, दूसरे को नहीं ना मार पाओगे जब आपका स्कोप ही लेफ्ट राइट जाएगा। तो गाइज अब हम इसकी सेंसिटिविटी को हाफ कर देते हैं, थोड़ी बढ़ा देते हैं। अब हमारा स्कोप लेफ्ट भी जा रहा है और राइट भी जा रहा है। आपने इसकी सेंसिटिविटी को ज़्यादा भी नहीं करना, नहीं तो आपका एम नहीं होगा बंदे पे, आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और आपका एम नहीं होगा। ऐसे ही आपने 2x, 3x, 4x, 6x, 8x की सेंसिटिविटी सेट कर लेनी है। जब आप जो जो भी स्कोप से देखते हो, बिना स्कोप से देखते हो, उसको हम कैमरा सेंसिटिविटी बोलते हैं।
अगर आप रेड डॉट से देख रहे हो उसे हम बोलते हैं रेड डॉट कैमरा सेंसिटिविटी, अगर आप 3x से देख रहे हो उसे बोलते हैं हम 3x सेंसिटिविटी, और सॉरी उसे बोलते हैं 3x कैमरा सेंसिटिविटी। सिर्फ गाइज ओनली देखने के लिए ये सेंसिटिविटी काम आती है। अब गाइज आपको पता चल गया होगा कैमरा सेंसिटिविटी का क्या काम है और किस काम आती है हमारे। और गाइज वीडियो के साथ बने रहे, मैं आगे आपको बताऊंगा आपको सेंसिटिविटी कितनी करनी है कितनी नहीं करनी। अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक तो ही करना अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बिकॉज लाइक तो यार सभी कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं 1K सब्सक्राइब कम्प्लीट होने के, तो गाइज करवा दो जल्दी से जल्दी। अब गाइज एडीएस सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी है जे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो ये समझ लो ये सेंसिटिविटी क्या काम आती है। जब आप किसी पे फायर करते हो तो आपकी एडीएस सेंसिटिविटी वर्क करती है। जैसे कि मैंने इसको जीरो कर दिया, मान लो अगर मेरे सामने चार बंदे आ गए तो आप स्कोप तो नहीं खोलोगे क्लोज रेंज में, एनिमी को ऐसे ही मारोगे ना। गाइज होगा ये आपका लेफ्ट राइट नहीं होगा, आपका बंदा लेफ्ट राइट नहीं दिखेगा फायरिंग करते समय। जैसे कि एक बंदा जहाँ पे है, एक जहाँ पे और एक जहाँ पे है, जब आप अपना क्रॉसियर बंदों पे एम करोगे तो नहीं होगा फायरिंग करते समय। गन आपको ऊपर की साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ नीचे को करने का बट ये नहीं आ रहा है। समझ रहे हो गाइस जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। जब आप गन से फायर करते समय स्क्रीन को लेफ्ट राइट स्वाइप करोगे तो नहीं होगी। जी हाँ आपने सही सुना। अब हम इसकी सेंसिटिविटी को फुल कर देते हैं, तो अब देख रहे हो गाइस मैं कितना इजी तरीके से अपना लेफ्ट राइट मेरा क्रॉसियर घुमा सकता हूँ, वो भी फायरिंग करते समय। ये बात जरूर याद रखना, फायरिंग करते समय मैं इजी पूरी स्क्वाड को फिनिश कर सकता हूँ। अभी मेरा क्रॉसियर इतना फास्ट हो चुका है, थोड़ा सा गाइस मैंने मूव किया और ये देखो इतना जल्दी मूव हो रहा है। अगर आप क्लोज रेंज मास्टर करना चाहते हो तो इस सेंसिटिविटी को फुल करके देखो तो क्या ही मज़ा आएगा गाइस, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप बंदों को बहुत ही जल्दी गिरा पाओगे। यही सेंसिटिविटी रेड डॉट पे काम करेगी। रेड डॉट हमने जीरो कर दिया है, एक नंबर पर कर देते हैं। देख रहे हो गाइस अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा स्कोप लेफ्ट भी जा रहा है और राइट भी जा रहा है, बिकॉज अभी कैमरा सेंसिटिविटी वर्क कर रही है। जैसे ही मैं फायरिंग करना स्टार्ट करूँगा तो मेरा स्कोप लेफ्ट और राइट जाना बंद हो जाएगा। फायरिंग के टाइम आपकी एडीएस सेंसिटिविटी वर्क करती है, ये आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम इसकी सेंसिटिविटी को ज़्यादा कर देते हैं। देख लो गाइज हमारा स्कोप बहुत अच्छे से लेफ्ट जा रहा है और राइट जा रहा है। मान लो एक बंदा जहाँ है और एक जहाँ है, मैं वेरी इजी बंदों को टारगेट कर सकता हूँ, कोई एम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी लास्ट एंड फेवरेट सेंसिटिविटी जायरोस्कोप की। जायरोस्कोप गाइज दो टाइप का होता है, एक तो ऑलवेज ऑन और दूसरा स्कोप ऑन। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। गाइज अगर ऑलवेज ऑन की बात करें, अभी मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, ओनली फ़ोन को हिला रहा हूँ, मेरी स्क्रीन ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, लेफ्ट भी जा रही है और राइट भी जा रही है, ओनली विद द हेल्प ऑफ शेकिंग द फ़ोन। जैसे कि आप लोग जानते हो मैं फुल जैरो प्लेयर हूँ, मैं थंब से बहुत कम एम करता हूँ बंदों पे, ओनली जैरो से एम करता हूँ। हमारा क्या बोलते हैं उसको, मैं फ़ोन हिलाता हूँ, ऊपर करता हूँ, नीचे करता हूँ, लेफ्ट करता हूँ, राइट करता हूँ, तो मेरा एम बंदे पे हो जाता है। जब आप ऑलवेज ऑन पे रखोगे तो आपकी स्क्रीन वैसी हिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बंदों की तो स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा हिलती रहती है, स्टार्टिंग में होता है सभी के साथ। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ और एक बार आप खुद भी इस सेंसिटिविटी को फुल कर देखो और आफ्टर डैट ऑलवेज ऑन ऑप्शन ऑन कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या बात है क्या नहीं है। अगर गाइज आपको हैंड कैम की वीडियो चाहिए उसमें मैं आपको फुल डिटेल में बता सकता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जैरो कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, रिकॉयल कैसे कंट्रोल करते हैं जैरोस्कोप से, एम कैसे करते हैं। अब गाइज हमने जैरोस्कोप की सेंसिटिविटी जीरो कर दी है, तो देख रहे हो गाइज मैं अभी फ़ोन पूरा हिला रहा हूँ ऊपर नीचे को, बट मेरा फिर भी बंदा देख नहीं रहा है, ना लेफ्ट देख रहा है ना राइट देख रहा है, क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी जीरो है। अब हम इसको फुल कर देते हैं। अब मैं फ़ोन को टिल्ट करूँगा तो देख रहे हो गाइज अभी वर्क कितना ज़्यादा कर रहा है, जी बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन शेक हो रही है। अब गाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बाद में बताता हूँ आपको इसकी सेंसिटिविटी कितनी रखनी चाहिए और कितनी नहीं। अभी गाइज आपको सभी सेंसिटिविटी के बारे में तो पता चल गया होगा,
कैमरा फ्री लुक वाली जब आप आई बटन से देख रहे हो, कैमरा सेंसिटिविटी जब आप सिर्फ देख रहे हो बिना फायरिंग किए और बिना आई बटन यूज किए, आपका स्कोप ऑन है या ऑफ है डजेंट मैटर। एडीएस सेंसिटिविटी जब आप फायर कर रहे हो, स्कोप ऑन है या ऑफ है, तब आपकी एडीएस सेंसिटिविटी वर्क करती है। लास्ट वन इज जायरोस्कोप, जब आप फोन की हेल्प से एम करते हो एंड रिकॉल कंट्रोल करते हो, उसे हम जायरोस्कोप बोलते हैं। तो ठीक है गाइज, ये तो मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया सेंसिटिविटी के बारे में। अब बात करते हैं आपको सेंसिटिविटी कितनी रखनी चाहिए, कितनी नहीं, और आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपनी न्यू सेंसिटिविटी। तो भाई मेरे, आप अपने फ्रेंड को तो बोल नहीं सकते मेरी सेंसिटिविटी क्रिएट कर दो, मेरे पास ये फ़ोन है, आईफोन है, एंड्रॉयड है। तो भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आईफोन की, एंड्रॉयड की, हर एक मॉडल की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है। गाइस सबसे पहले कैमरा सेंसिटिविटी कैसे करते हैं, आपको पहले जीरो कर देना है इसको, और बाद में ट्रेनिंग में जाना है और अपने स्कोप को लेफ्ट करना है और राइट करना है विद द हेल्प ऑफ थंब। तो नहीं देखा जाएगा बिकॉज हमारी सेंसिटिविटी जीरो है। इसको आपने इतना ज़्यादा बढ़ाना है जितना टाइम आपको लगता है आप किसी गाड़ी को ट्रैक नहीं कर पाओगे। इसकी प्रैक्टिस आप जे वाली पहाड़ी पे कर सकते हो, और जहाँ पर और भी बहुत सारे लगे हुए हैं डब्बे डुब्बे, आप वहाँ पे भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं एडीएस सेंसिटिविटी की। और हाँ गाइस, जितनी आप कैमरा सेंसिटिविटी रखोगे उतनी आपको एडीएस सेंसिटिविटी रखनी है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो जे कोई गाड़ी जा रही है, मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, कैमरा सेंसिटिविटी तो मेरी ठीक है, स्कोप मेरा गाड़ी पे जा रहा है बिना किसी दिक्कत के, बट जैसे ही मैं गोली मारना स्टार्ट करूँगा, फायरिंग करना स्टार्ट करूँगा, तो मैं गाड़ी को ट्रैक नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मेरी एडीएस सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है कैमरा सेंसिटिविटी से। तो भाई मेरे, एडीएस और कैमरा सेंसिटिविटी सेम रखो, थोड़ी दिक्कत तो आएगी बट एक दिन आप ज़रूर कामयाब होगे। तो गाइस सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए मैं आपको तीन तरीके बताऊँगा। पहले की बात करते हैं, अगर आपका स्कोप स्प्रे करते समय ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो आपकी सेंसिटिविटी कम है। और दूसरी की बात करते हैं, अगर आपका स्कोप स्प्रे करते समय नीचे को जा रहा है तो आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। और लास्ट वन की बात कर लेते हैं, अगर आपकी स्प्रे एकदम ठीक हो रही है, एक पॉइंट पे कभी कभी रुक रही है, थोड़ी लेफ्ट या राइट हो रही है, उसके लिए आपको गन अटैचमेंट चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। और हाँ गाइज, आप लाइक क्राउच हो सकते हो स्प्रे देते समय, पीक दे सकते हो, एंड कंपनसेटर का यूज कर सकते हो, हाफ ग्रिप, एंगल ग्रिप। तो गाइज आपको बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको टीडीएम खेलने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपका स्कोप ऊपर को जाता है तो कौन सी सेंसिटिविटी ठीक करनी है, अगर नीचे को जा रहा है तो कौन सी सेंसिटिविटी ठीक करनी है, आप खुद एक पॉइंट पे आ जाओगे। और हाँ गाइज, आपने अपनी सेंसिटिविटी विदाउट अटैचमेंट क्रिएट करनी है। आई नो स्प्रे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी पहले, कोई बात नहीं, कम से कम तो आपका रिकॉइल कंट्रोल तो हो जाएगा। आफ्टर डैट जब आप अटैचमेंट लगाओगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपको कौन सी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए, हाई रखनी चाहिए या लो रखनी चाहिए। गाइज मैं एक बात क्लियर कर दूँ, स्पीड और एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप कन्फ्यूज मत हो जाना। अगर आप सोचोगे मेरी स्पीड अच्छी है तो मैं बंदे को मार दूंगा जल्दी, तो भाई मेरे ऐसा नहीं है। आई नो आप बंदे को ट्राई कर लोगे बट आपकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी ज़्यादा स्पीड की वजह से। जब आप फायरिंग करोगे तो आपकी गन लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है स्पीड करने का। तो भाई मेरे, टाइम टू टाइम स्पीड अपनी बढ़ाओ, एकदम आप 300 सेंसिटिविटी कर लोगे तो ठीक नहीं आएगा। एडीएस सेंसिटिविटी आपको मीडियम रखनी चाहिए। अगर आप जायरोस्कोप खेलते हो तो हाफ से ज़्यादा कर लेना। गाइज अगर आप जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी कम रखोगे तो आपका रिकॉइल कंट्रोल नहीं होगा, बहुत ही दिक्कत आएगी बिकॉज यार काफ़ी रिकॉइल कंट्रोल करना टफ हो जाता है कम सेटिंग में। तो गाइज जैरो तो लगभग फुल ही रखना तो बढ़िया रहेगा, आप कंट्रोल कर पाओगे रिकॉइल बड़ी ही आसानी से बिना किसी दिक्कत के। और एक बात गाइज, और सेंसिटिविटी कौन कौन सी होती है, लाइक लो, मीडियम, हाई और कस्टमाइज। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने करना ये है, अपनी सेंसिटिविटी हाई पे कर देनी है, आफ्टर डैट आपने कम ज़्यादा करनी है। जैसे मैंने आपको बताया आपने कैसे कम करनी है और कैसे ज़्यादा करनी है अपने हिसाब से, आप अपनी खुद सेंसिटिविटी आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली है। आपने एक दो दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है और एक दो घंटे लगाने हैं तो आपकी सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। तो बस गाइज वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगी हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।